अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। क्वेटा जैसे बड़े सानहे के बाद आज इस्लामाबाद में बड़े बड़े ऐलानात हुए, बड़े बड़े फैसले हुए, बड़े बड़े इजलास हुए, जहां एक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बहस हुई। उसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ ने की। तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी और दूसरे अहम सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान भी मौजूद थे। वहाँ पे उनको नेशनल एक्शन प्लान पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फिर दूसरा बड़ा इजलास नेशनल असम्बली का इजलास था, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनफ्स नफीस मौजूद थे, वहाँ भी उन्होंने खिताब किया। और फिर वज़ीर दाखिला ने नेशनल असम्बली को बताया नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो इजलास हुआ, उसमें जो बड़े बड़े फैसले हुए उनके बारे में मुतला किया नेशनल असम्बली को, अरकान को बताया। और वज़ीर दाखिला ने एक दिन पहले नेशनल असम्बली में होने वाली उन तकरीरों का भी हवाला दिया जिनका बराह रास्त हदफ खुफिया इदारे थे या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, और कहा कि ये तकरीरें जो हैं किसी और दुश्मन मुल्क की पार्लियामेंट में होती तो तब भी काबिले मज़म्मत थी। गर्स के आज बड़े बड़े अहम एक्टिविटीज़ हुई, और मेरे ख्याल में इन तमाम अहम एक्टिविटीज़ के बाद और इतने बड़े ऐलानात और फ़ैसलों के बाद क्वेटा के जो शहदा के लवाकिन हैं, अब उनको इत्मीनान हो जाना चाहिए, अब उनको तसल्ली कर लेनी चाहिए कि अब की बार ऐसा नहीं होगा। क्या अब की बार ऐसा होगा इन फैसलों के बाद, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर पहले आज जो बड़े बड़े वाकयात और फैसले और ऐलानात हुए, उनकी चंद झलकियां हम आपको सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल में जो बेहतरी पैदा हो चुकी थी, उसे तबाह करना हमारे दुश्मन के मकासद में शामिल है, लेकिन हम इन मकरूह अज़ाइम को खाक में मलाए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान में तरक्की के जो इम्कानात सामने आ रहे हैं, बिलखसूस पाक चीन इक्तसादी राहदारी के तहत बनाए जाने वाले मंसूबों से रोशन हुई इम्कानात के वसी दुनिया हमारे दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। इनका मुकाबला करने के लिए हमारा मुत्तहिद रहना बेहद ज़रूरी है। हमारा इत्तेहादी शैतानी कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। हमारा इत्तेहाद ही शैतानी कुव्वतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ पाकिस्तान भरपूर अंदाज के साथ दुनिया भर में आगाही की मुहिम चला रहा है। इन हालात में हम खामोश नहीं रह सकते। हमारे कौमी सलामती के इदारे सख्त इकदाम करने के हक बजाने में, सरहदों की हिफाजत के साथ साथ सरहदों के अंदर ज़िंदगी को महफूज बनाना भी उनकी जिम्मेदारी है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पार्लियामेंट को नेशनल असम्बली में खिताब कर रहे थे, और बार बार वो ये कह रहे थे कि जो बेहतरी हो रही है दुश्मन उसको तबाह करना चाह रहे हैं, और जो कुछ होता है वो दुश्मन कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपको सुनाते हैं अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, उन्होंने तो यहाँ तक पेशकश कर दी कि हम पार्लियामेंट को एक कमेटी बना देते हैं, एक एक्शन कमेटी बना देते हैं पूरी पार्लियामेंट को। उस पेशकश का जवाब तो नहीं आया, मगर देखते हैं ये पेशकश थी क्या। मैंने हुकूमत को ऑफ़र किया, और ये बहुत बड़ी ऑफ़र है कि आओ मिल के बैठ के इस पार्लियामेंट को सही एक कमेटी बनाए, एक्शन कमेटी बनाए, मिलके दुश्मनों से। अकेला कोई नहीं लड़ सकता, हुकूमत अकेली दुश्मनों से नहीं लड़ सकती। ये कौमी जंग होनी चाहिए, ये कौमी जंग होनी चाहिए उन दहशत गर्दों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, उन कुव्वतों के खिलाफ जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट को एक कमेटी की शक्ल दें तो शायद पार्लियामेंट में जान आ जाएगी। शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा, पार्लियामानी लीडर भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी तकरीर में जो है APS के आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के साने का हवाला दिया, और कहा कि हमारी तकरीरें और एहतजाज काफ़ी नहीं। और ये बात वो बहुत पहले भी कर चुके थे, और अब की बार भी उन्होंने क्या कहा सुनते हैं। क्वेटा में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ जिसको मैं नेशनल ट्रेजेडी कहूँगा, लेकिन ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इस ट्रेजेडी से हम
आज से तकरीबन 2 साल पहले पिशावर में 2-4 हुए थे। बहुत बड़ा सानिया हुआ था जो APS स्कूल का सानिया था, पूरी कौम उस पर मुत्तफिक हुई थी और उस इत्तफाक के राय से जन्म लिया था नेशनल एक्शन प्लान ने, कंसेंसस बिल्ड हुआ था। क्या हमारी तकरीरें और हमारे रेजोल्यूशंस, हमारी कंडेमनेशन काफी है? दिस इज द क्वेश्चन जो आज लोगों के जेहनों में उभर रहा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और क्वेटा के मुतासरीन के लिए वफाकी वजीर दाखिला ने भी बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ अराकीन असम्बली ने अपनी तकारीर में जो खुफिया इदारों को निशाना बनाया है तनकीद का, उन्हें बहुत अफसोस हुआ इस बात पे, और कितना अफसोस हुआ और कितना गम था चौधरी निसार को उन तकारीर पे जिनमें तनकीद की गई थी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या खुफिया इदारों के हवाले से। आइए देखते हैं। कोई फौजी ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसको मुकम्मल तौर पर अवाम की, हुकूमत की, पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट ना हो। ये जो बदतरीन लोग हमारे मुल्क में आग और खून की होली खेल रहे हैं, ये एक हमारे अंदर इख्तलाफ नहीं डाल सकेंगे, हमें खौफ ज्यादा नहीं कर सकेंगे, हमें मायूस नहीं कर सकेंगे। हम ज्यादा पुरअज़म होकर इनका मुकाबला करेंगे, उनका कला कमा करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल इस हवाले से कुछ तकारीर हुई, तकरीर करने वाले मेरे बहुत काम अरसे दराज से मेरा तल्लक वास्ता है, जाती भी और मेरे दिल में एहतराम भी है, मगर मुझे बेइंतहा अफसोस हुआ जनाब स्पीकर। क्या बतौर पाकिस्तानी मेरा यह फर्ज नहीं है कि एक मुश्किल तरीन वक्त में, जब पाकिस्तान के सिपाही, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान के सिविल आर्म फोर्सेस और पुलिस अपना जानों का नजराना देकर पाकिस्तान को सिक्योर कर रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हों, क्या ये हम पे लाजम नहीं है बतौर पार्लियामेंटेरियंस और बतौर अवाम के नुमाइंदे? मगर कल जो यहां से आवाज गई, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए तजीक आमेज हैं, उनके मोरैल को बिल्कुल खुदा ना खास्ता कमजोर करने की एक अमल था। वफाकी वजीर दाखिला कह रहे थे कि कल जो तनकीद हुई वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मोरैल को कमजोर करने का एक अमल था। शायद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरैल इतना कमजोर नहीं जितना वफाकी वज़ीर दाखला समझते हैं कि किसी एक तकरीर से या तनकीद से ऐसा हो पाएगा, मगर शायद वफाकी वज़ीर दाखला से बहुत सी और भी तवक्कात थी कि इस तकरीर में वो बताएं कि आज के अहम तरीन इजलास में क्या हुआ, और यही हम जानने के लिए मेहमानों का आपको तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में शौकत बसरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ तशरीफ रखते हैं हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली कैसर अहमद शेख, और उनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसहाक अहमद दिफाई तजियाकार हैं। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन क्या तवक्को कर रही थी कि आज इतना अहम तरीन, इतना बड़ा इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदारत की, बड़े बड़े फैसले हुए, नेशनल एक्शन प्लान के पेशरफ का जायज़ा लिया गया, तो क्वेटा का जो इतना बड़ा सानिया हुआ है, उस सानिये के जो शहीद हुए लोग उनके लवाहिकीन को बताने के लिए हुकूमत से आप क्या तवक्को कर रहे थे? गुफ्तगू नशिस्तन बर्खास्तन, चौधरी निसार साहब का वही पुराना रोना धोना, मियाँ नवाज शरीफ साहब की वही डिप्लोमेसी। मैं तो खुद ये समझता हूँ कि इस वक्त मैं तो शर्म महसूस कर रहा हूँ कि मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, लेकिन जिस अंदाज के अंदर हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो स्टैंस होना चाहिए बतौर एक हुक्मरान जमात के, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी रुकावट ही शायद हुक्मरान है इस दहशतगर्दी के ऑपरेशन के सामने। आप मुझे देखिए, ये अभी फरमा रहे थे, ये वही अचकदई साहब हैं जिनके मुतलिक आज चौधरी निसार साहब ने फरमाया, उनके भाई क्या कौन हैं जो गवर्नर हैं वहाँ पर बलोचिस्तान के अंदर, ये वही अचकदई साहब हैं जो मोतमद ख़ास है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, और मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक लफ्ज़ तौफीक नहीं हुई कि उनके मुतलिक वो बात करते। गुड कॉप बैड कॉप, ये वो टोपी ड्रामा करते रहते हैं आर्म फोर्सेज को। इस वक्त सूरत हाल ये है मतीउल्लाह जान भाई, फौज शुमाल की तरफ है अगर तो हुकूमत मगरब की तरफ है। रॉ और तालिबान का कीमती असासा मियाँ साहबान हैं, चौरी निसार अली हैं,
मैं आपको ये तो वैसे मतलब मैं बात खुल के कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि नेशनल इलेक्शन प्लान जिसका आज रोना फिर रोया जा रहा था, आज फिर कहा गया, कब कहा गया, APS की आप सारे के बाद इनकी तकरीर निकाल लीजिए, आप वाघा बॉर्डर के अंदर जो है इनकी तकरीर निकाल लीजिए, आज कहा गया कि हम सूबों के अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करेंगे, पहले इदारे तो कोऑर्डिनेशन पैदा कर लें, फौज कहाँ खड़ी है, ये कहाँ खड़े, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये आपका अच्छी तरह फरमाएगा कि दो शरीफों में साथ एक शरीफ के साथ रहने का फैसला करना पड़ा तो मैं नवाज शरीफ के साथ मैं बता देता हूँ जब आपका अच्छा से ये कहेगा कि एक शरीफ अलग जहाज में आ रहा है, दूसरा शरीफ अलग जहाज में आ रहा है, ये दोनों कहाँ खड़े हैं, जब ये कहेगा कि केपी को अफगानिस्तान के साथ मिला देना चाहिए, मुझे बताइए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस सर, मेरा सवाल आप ले रहे हैं ना, आप तवक्को क्या कर रहे थे चौधरी निसार से? तवक्को देखें होना क्या चाहिए था, आज फिर उन्होंने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर वही जो गुज़श्ता 1.5-2 साल से टोपी ड्रामा चल रहा है उसी को रिपीट किया उन्होंने, ये करते ये कि अगर ये संजीदा है कि वो माइंडसेट जो इस वक्त हमारे मासूम लोगों को, हमारी अफवाज को, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को शहीद कर रहा है, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, तो पूरी पार्लियामेंट को ये उस इजलास के अंदर बुलाते जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर हुआ था, उनको लेकर जाते वहाँ पे कुछ भी नहीं होना। मैं आज आपको कह रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, अल्लाह ना करे कल मुझे मेरे सोशल मीडिया पर एक फोटो चल रही है, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा और मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म सालगिरह के केक काट रहे हैं, वहाँ पर लोगों की लाशें उठ रही हैं, ये है इनकी संजीदगी का आलम। मेरे पास फोटो अभी फोटोग्राफ मौजूद है, देखिए मतीउल्लाह जान साहब कुछ नहीं होगा। मुझे अफसोस इस बात पे मतीउल्लाह जान कि इन लोगों को रत्ती बराबर ना एहसास है, उनको एहसास है जिनके घर से लाशें निकलती हैं। मैं मेरी बात सुन लें, ये मैंने लफ्ज़ बोले थे कि मियाँ साहबान और मौजूदा हुकूमत ही रुकावट है दहशतगर्दी और करप्शन के खिलाफ, इनके होते हुए ना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है ना करप्शन के खिलाफ। आप महमूद अचकज़ई साहब की तकरीर से इत्तेफाक करते हैं? महमूद अचकज़ई की तकरीर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर है, जब उन्होंने फौज को इत्तेफाक करते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, कैसर शेख साहब, क्या बड़े फैसले हुए जो आप क्वेटा के आवाम को आज हुक्मरान जमात की तरफ से बताना चाहेंगे, क्योंकि आज बड़े बड़े इजलास हुए तो उनमें अहम तरीन एक फैसला बता दें जो हुआ? नहीं, यही फैसला हुआ सबसे अहम तो कि नेशनल एक्शन प्लान को और ज़्यादा एक्टिवेट तो है, उसमें डिसीजन भी हुआ था पिछले 1.5-2 साल से, ये और फैसला हुआ उसके ऊपर जो चीज़ें रह गई हैं, जो कमी रह गई है, लेकिन उसमें फ़र्दर फंड्स दिए जाएं, फ़र्दर उसको एक्टिवेट, नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पार्टियां मुतफिक थी, ये तमाम हमारे मुल्क का ना कंसेंसस था जब ये नेशनल एक्शन प्लान हुआ। कई चीज़ों पर अभी तक अमल नहीं हो सका, वो कुछ मतलब कुछ चीज़ें मुश्किल थी, कुछ ट्रेनिंग्स देनी थी, कुछ तो वो प्रॉपर उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ, तो ये ख्याल किया गया कि देखिए ना, एक बात तो है तो कि पहले से अमल ना होने का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल सब हम जिम्मेदार हैं, जो कि हम देखिए ना, हमसे मुराद हमारा पूरे लोग, हम जिम्मेदार हैं, पूरी तमाम पार्टियाँ उसमें, हुकूमत बिल्कुल जिम्मेदार। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, आज जो निसार साहब ने जो बात की वो बड़ी गौर करने वाली है कि यही पीपल पार्टी के दौर में एक साल में 2000 इंसिडेंट होते रहे, यही हमने इम्प्रूव करके आज वो 250-300, ये पिछले 8 महीने में 250 के करीब हुए हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि ज़ीरो हो गया है, ये बहुत बड़ा आज क्वेटा में वाक़ हो, लेकिन क्या ये वाक़ नहीं आज हुआ है? क्या पीपल पार्टी, देखिए हमारे मुल्क में दो बड़ी पार्टियाँ हैं ना, पार्टी के दौर में नेशनल एक्शन प्लान नहीं था नेशनल एक्शन प्लान, उससे इम्प्रूवमेंट हुई ना, तो ये इम्प्रूवमेंट हुई कि 2000 जो इंसिडेंट थे ये तो बहुत कम हो जाने चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, हम सब मानते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप अगर अजय अभी अगर एवरेज पिछले 2-3 साल में ये 400 तक आ गए, बहुत कम नहीं, आज फिगर्स दी चोई निसार साहब ने, पूरी फिगर्स दी कि 2000 से 400 तक आ गए, ये बहुत कम होने चाहिए थे, लेकिन हम नहीं कर सके, और अगर ये नहीं कर सके तो इसमें कोई शक नहीं कि ये भी हमें करना चाहिए, हमें हमारी जिम्मेदारी है हुकूमत की। अच्छा, जो वाकया हुआ सानिया उसके हवाले से, क्या वज़ीर दाखिला को ये नहीं बताना चाहिए था कि अभी तक तफ्तीश में क्या सामने आया है, मुल्ज़मान कौन हैं, क्या कार्रवाइयाँ की गई उनकी गिरफ्तारी के लिए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, कुछ अपडेट? वो ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने वो भी बताया, उन्होंने कहा कि मैं तो कल ही डिटेल बताता, लेकिन क्योंकि एक हाई लेवल मीटिंग होनी थी जिस मीटिंग का आपने हवाला दिया आज, वो कहते हैं वो अभी भी कंक्लूड नहीं हुई, बात चीज़ें हम जारी है, वो मीटिंग जारी है, तो मैं एक ही बार सारी चीज़ें इकट्ठी बताना चाह रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो। वो कहते हैं मेरा प्लान है, कल भी कई लोगों ने डिसाइड किया कि जी चोई निसार साहब हाउस में नहीं थे या चले गए या बताया नहीं उन्होंने, मैं तो कल हाउस में नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको खुद बताया
कि मैं कल ही बताना चाहता था, आज जो मैं कह रहा हूँ अभी भी मेरा ख्याल था कि मैं आज डिटेल पूरी दे दूंगा, लेकिन वो हमारी मीटिंग्स अभी कंक्लूड हो रही है। जी जी, पेश पूरे पूरे पहुंच चुके हैं, पूरे तरीके से वो कोशिश हमारी हो रही है कि क्या हालात हैं, क्या वजूहत हैं और क्या उनका तरीकाकार होना चाहिए। अच्छा, ये कुछ सीधा सीधा निकात जो जराए के जरिए सामने आए हैं, जो मीडिया के अंदर भी, जो आज नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से अहम इजलास हुआ, उसमें ये कहा गया है कि तमाम जो 20 निकात हैं इस प्लान के, उन पर यकसां अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक हुआ है। विफाक जो है वो सूबों को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए तमाम वसाइल फराहम करेगा। विफाक सूबों के दरमियान इंटेलिजेंस मैकेनिज्म मजीद मजबूत बनाने के इकदाम की उसमें भी मंजूरी दी गई, ये सूबों के दरमियान अभी मंजूरी दी गई। और फिर तफसीली जायजा भी लिया गया और कहा गया कि वज़ीर दाखला ऐवान को आगाह करेंगे। तो मैं बगड़ी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपके ख्याल में आज के इन अहम तरीन इजलास में और ऐलानात में सबसे अहम फैसला क्या हुआ जो शायद पहले हो सकता था? मेरे साहब में तो कोई नहीं हुआ फैसला, आज क्यों करने के लिए हमें ज़रूरत पेश आ रही है? फैसला तो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हो गया था, जब आपने एक 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 स्ट्रेटजी बना ली थी, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स मिल के, तमाम ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सिविल सोसाइटी, सिक्योरिटी फोर्सेस, सब ने मिल के सोचा कि एक बहुत बड़ा सानिया था वो। ये सानिया तो उसकी कंटिन्यूशंस हैं, और इसके बीच में अगर आप देखें तो चार सदा में हुआ, वो भी हुआ। ये हर बार नए ऐलानात, नई बातें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उस वक्त से इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई? 1.5 साल से ऊपर होने वाला है मेरा ख्याल है, उस वाक्य को हो गया है बिल्कुल। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर देखें ना, बड़ी सिंपल सी बात थी, हेड स्पीचेज आपको मना कहा था कि नहीं करेंगे, आज भी उसी तरह चल रही हैं। ठीक है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करना था, किसने करना था? सिक्योरिटी फोर्सेज ने कितना करना था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने कितना करना था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कितना करना था, क्या काम किया? मैं चंद नुकात पढ़ देता हूँ नाज़रीन के याददाश्त के लिए। उसमें जो 20 निकात थे उसमें चंद अहम निकात ये थे कि जो दहशतगर्द सजा याफ्ता दहशतगर्द थे जिनको सजाए मौत मिली थी, उनकी सजाए मौत पे अमल दरामद, और काफ़ी पहले तक वो जारी भी रहा और अभी हो रहा है। फिर फौज की निगरानी में 2 साल के लिए खसूसी ट्रायल कोर्ट, फौजी अदालतें बनी थी, जो कि अब मेरे ख्याल में नवंबर में वो भी ख़त्म हो रही हैं और उनका वक्त भी ख़त्म हो रहा है, और बहुत सारे सजाए मौत पे अमल दरामद अदालतों की तरफ से रुका हुआ है। फिर ये कहा गया कि अस्क्रियत पसंद तंजीमों और मसल्ला ग्रोहों पर पाबंदी, और उस पाबंदी का आलम यह है कि शायद लाहौर में अभी भी प्राइवेट अदालतें चल रही हैं और अखबारों में भी सबको खबर पता है कि जिस तरीके से नोटिस भी जारी हो रहे हैं प्राइवेट अदालतों से। फिर नेक्टा एक इदारा बनाया गया था किसी ज़माने में 2008, हर बड़े साने के बाद नेक्टा का वो एक दो बार आवाज़ें मारी जाती हैं फिर और फिर वो सो जाते हैं जब तक कोई अगला बड़ा सानिया नहीं होता। तो ऐसे बड़े आम कुछ निकात है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गेट सब में आपसे ही बात। उस फोर्स में हमने देखा पंजाब पुलिस के कुछ दस्तों ने कोई परेडें की, कोई ड्रिलें की, कोई पासिंग आउट हुई, कोई करतब दिखाए टी वी पर चले कि नेशनल एंटी टेररिज्म फोर्स बनी। फिर बलूचिस्तान में भी इसी तरह के करतब दिखाए गए। उस फोर्स का नेशनल लेवल पर अभी तक कोई सामने कोई कारकर्दगी नहीं आई ना देखने को मिली। दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से देखें क्या है। फिर IDPs की फौरी वापसी और फाटा में इंतजामी तरक्याती असलाहत, वो उसका क्या हुआ? कराची में जारी ऑपरेशन अपने मंतकी अंजाम तक ले जाया जाएगा, ये नेशनल एक्शन प्लान में कहा गया, वो भी मंतकी अंजाम अभी तक नहीं पहुँचा। अफगान माजरीन के मसले से निमटने के लिए जामा पॉलिसी की तश्कील, वो भी अभी तक कोई जामा पॉलिसी नहीं आई। इंसदाद दहशतगर्दी इदारों समेत सूबाई CIDs को मजबूत करने के लिए फौजदारी अदालतों के निज़ाम में असलाहत, और वो फौजदारी अदालतों के निज़ाम में क्या असलाहत है, ये वो सवाल हैं जो के करने हैं। मगर मैं आपसे बगैर साहब मैं पूछना चाहूँगा, ये नेक्टा का एक अदारा हुकूमत ने बना दिया, उसको बजट भी दे दिया, मगर ये तासुर आम है कि जो फौज के खुफिया इदारे हैं वो अपनी मालूमात नेक्टा से शेयर नहीं करना चाहते और उन्होंने उसको मैदान में नहीं आने दिया, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, नेक्टा थोड़ा सा जी, नेक्टा 2008 में बना था, आज नहीं बना, नेक्टा 2008 में बना था। परवेज साहब थे, तारिक परवेज साहब, वो उनके पहले हेड थे। ठीक, एक बार उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा जी आपका पहला इजलास हुआ था उसके बाद, मैंने कहा उनके बाद आज तक नहीं हुआ, ये 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। 2015-2008 कोई इजलास नहीं हुआ, कोई इजलास नहीं, से 2015 ये सीरियसनेस है उस सब्जेक्ट की, जिसमें पीपल पार्टी का दौर भी है और नून लीग का दौर, दोनों का दौर है। इसलिए मैंने कहा कि इसकी ज़रा बैकग्राउंड देख लें पहले, नेक्टा का, नेक्टा के मुख्तलिफ बॉसेज आते रहे, हर साल इनको बजट अलॉट होता है और हर साल वो बजट लैप्स करके वापस चला जाता है।
30 को जाता है और पहली को फिर इनके पास। तारिक परवेज साहब जैसे एक बड़ी अच्छी उनकी रेपुटेशन है और वो खामोशी से नौकरी करके चले गए। बहुत उसके बाद भी अपनी नौकरी पूरी की, सब की, सब ने की है पूरी, हर एक ने की है, अपना टेबल पूरा गुजारा है। अच्छा, अभी आगे एलिगेशन जो जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे, जो ताकतवर फौज के खुफिया इदारे हैं वो चाहते ही नहीं है कि उनके मद्दे मुकाबल कोई खुफिया इदारा या खुफिया एजेंसी ऐसे बने जिसको वो जवाब दें। पहली बात यह कि ये काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रही कि इसको हम कहें कि ये एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो खुद इंटेलिजेंस अक्वायर करेगी अपने टेंटिकल्स। जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनना था इस इदारे, वही चीज थी ये नेक्टअप, वही चीज थी बेसिकली। ये असल में ये आइडिया लिया गया था 9/11 के बाद जब अमेरिकन ने NSA बनाया था, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी का एक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे इनपुट देकर उसको भेजते रहे। हुआ क्या वही बता रहा हूँ ना आपको। मैंने जो प्रेजेंट नेक्टा के कुछ अर्सा रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी हमारे वो भी रहे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हम में जिसको कहते हैं हायरिंग, अभी तक पिछले 3 साल में हम हर बार हायरिंग के लिए कहते हैं, हमें हायरिंग की परमिशन नहीं मिलती, मतलब बंदे ही नहीं भर्ती करने की इजाज़त, इजाज़त ही नहीं मिलती, इसलिए लैप्स होता है ना बजट। अब अगर हायर करने की इजाज़त किसने देनी है? प्राइम मिनिस्टर। और आपके ख्याल में क्यों नहीं दी जा रही? हाँ, अभी ये क्वेश्चन मार्क बड़ा है इसमें, पॉलिटिकल हैं रीजंस। क्या रीजंस? अब ये मेरे ख्याल में इसके अलावा तो कोई रीज़न नहीं है कि जो फौज के खुफिया इदारे हैं वो अपनी कंसेंट नहीं दे रहे ऐसा कोई इदारा बनाने के लिए। देखिए, मैंने वही पहले अर्ज किया, अगर तो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चाहती इस मुल्क में अमन लाना। आपका तज़िया क्या कहता है? मेरा तज़िया ये कहता है कि जी हम वी आर नॉट विलिंग टू डू इट, हमें इंटरेस्ट ही नहीं उसमें। कौन? पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है सर। अदरवाइज कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हर्डल नहीं है? मैंने वैसे भी तो इंफॉर्मेशन आगे देनी होती है। किसको देते हैं? सिक्योरिटी एजेंसी देती है जी। अच्छा, हाँ देती है। प्राइम मिनिस्टर को? हाँ देती है, प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग होती है, फॉर्मल ब्रीफिंग होती है। मगर वो नेक्टा को भी, नेक्टा को तो अभी तो किसी कैपेसिटी में नहीं दे सकते ना ब्रीफिंग। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इस वक्त आए हुए, जनजुआ हैं वो बने हैं। चले हम ब्राह रास पूछ लेते हैं उनसे। कैसल साहब, मसला क्या? आप एक धागे को हम पकड़ते हैं, सिरे को बताएं, नेक्टा को क्यों गैर फाल रखा हुआ, क्यों भर्ती की इजाज़त नहीं दी गई अभी तक नेक्टा को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से? ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं इनको, इन्होंने इनका उससे इदारे से रब्ता भी रहा, इन्होंने पता भी किया उनसे ना, लेकिन जब लैप्स हो रहे हैं सारे फंड्स तो ये कोई चीज़ भी हमारे पास तो असम्बली में आज तक डिस्कस नहीं हुई। लेकिन इजाज़त तो असम्बली ने ही दी है ना कि ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करें। अगर ऐसा कोई मसला था, मैंने तो अभी ब्रिगेडियर साहब से सुना कि वो लैप्स हो रहे हैं फंड और फंड। मेरा तो ये ख्याल है, मेरा जो समझता हूँ ना, मैं आपको मुतल्ला जान साहब समझ बताऊँ, मेरे ख्याल में ये नेशनल एक्शन प्लान पे फंड ही बहुत कम जारी किया गया। मेरी तकरीरें भी हैं इस सिलसिले में असम्बली में। देखिए, इस पर बहुत ह्यूज फंड चाहिए, हमारा टोटल रेवेन्यू ही बहुत कम है। हम मसलन इंडिया में, इंडिया में मेरी बात सुन लीजिए, मुझे डिटेल तो सिर्फ एक नहीं, मैं पूरे नेशनल एक्शन प्लान पे बहुत ह्यूज फंड हमें खर्च करना चाहिए अगर हमें ये रुकना। आप अभी चले नेक्टा की बात करें, छोड़े नेक्टा के बारे में तो ब्रिगेडियर साहब जो बात कर रहे हैं, हुकूमत का इदारा है, मेरे पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ख्याल में फाल होना चाहिए उसको, बिल्कुल होना चाहिए, ये तो हमारे नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, हम सब ने अप्रूव किया हुआ है। और देखिये, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर ये कहा गया कि वफाक और सूबों के दरमियान इंटेलिजेंस मैकेनिज्म मजीद मजबूत बनाने के इकदाम की मंजूरी, आज वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में मंजूरी दी गई वफाक और सूबों के दरमियान। आगे आपको बताऊं तो सही, क्या इसका फायदा क्या है? अगर नेक्स्ट जैसा इदारा, ये जब फंड फंड होते हैं ना, ये हमारा राह असेंबली के अंदर भी बहस रही, फर्दर काफ़ी ह्यूज फंड चाहिए मेरी नज़र में। मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ और बिजनेस से मेरा लिंक है। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ हमारे पूरे GDP का 10.5% रेवेन्यू आता है, इंडिया में 16.5% है। अगर हम 16.5% कर लें तो 2000 अरब रुपए मजीद, हालांकि जब से हमारी हुकूमत आई है पीपल पार्टी के दौर में सिर्फ 1950 अरब रेवेन्यू आता था, जो हमने 3100। मेरी बात को कम्प्लीट हो जाने, मेरा ये कहना है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी जगह भी आपके पास फंड नहीं है हमारी हुकूमत के पास। ये मामूली बातें नहीं है, अगर मैं खुदा के लिए फंड नहीं है, किसी काम के लिए फंड नहीं है, ना एजुकेशन के लिए है, ना हेल्थ के लिए है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मेरी बात, एक मिनट मुझे कम्प्लीट करने दे बात। हमें हमारे जैसे मुल्क को बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत, कम अज़ कम
हमारा रेवेन्यू 5,000 अरब हो सकता है, 2,000 अरब रुपए बढ़ सकते हैं। ये मेरी कई तकरीरें हैं असेंबली के अंदर। देखिए इंडिया का 16% एक तो उनकी इकानमी 8 गुना है और फिर उनका 16% इंडिया में ये इस तरह के काम नहीं हो रहे जो हमारे लोगों को फेस करना फंड्स अवेलेबल है ना, हमारे पास तो फंड्स कम है जी, बहुत कम है। इसका तो बहुत अभी आपने वो जो पॉइंट बताया कि इजलास के बाद जो चीज़ें बाहर रही हैं कि जी नेशनल एक्शन प्लान पे, नेक्टा पे कोऑर्डिनेशन, ये तो इतराफ़ी जुर्म है। इसका मतलब ये है कि वो इतराफ़ी जुर्म कर रहे हैं कि हमने 1.5-2 साल से कोई इसके ऊपर काम नहीं किया, आज मंजूरी मिल रही है, आज मंजूरी मिल रही है। और दूसरी बात, अभी शेख साहब विफाग और सूबों के दरमियान शेयरिंग की, और शेख साहब ने जो बात कही अभी भी नहीं होगा, मंजूरी के बावजूद नहीं होगा। शेख साहब ने जो दूसरी बात कही वो भी इतराफ़ी जुर्म है कि आपके पास फंड्स हैं लाल बस के लिए, खट्टी ट्रेन के लिए, पीली टैक्सी के लिए, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लोगों की माएँ बहनें मर रही हैं, शहीद हो रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है क्या? यही तो मैं, आपने जो स्टार्ट में कहा था ना, आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, मुझे सिर्फ एक अर्ज कर लेते मिथिल जान साहब कि अगर ये हुक्मरान संजीदा हैं दहशतगर्दी के ऑपरेशन के ख़िलाफ़, ये वही हुक्मरान हैं जो फैसिलिटेटर थे कि जहाज़ प्रोवाइड हो रहे थे, मुज़ाकरात थे, कुछ पार्टियाँ ये कह रही थी दफातर बना दी जाएँ, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी उन पार्टियों में और उन पार्टियों में जो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चाहती हैं, जो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। मैं यहाँ पर फिर आप कहीं स्पीपिंग स्टेटमेंट दे लूँ, पीपल्स पार्टी ANP और MQM के अलावा पाकिस्तान की तमाम जमातें प्रो तालिबान हैं। आप निकाल के देख लीजिए, किसी ने कहा वो शहीद नहीं है, किसी ने कहा कि जी इनके साथ आप ऐसे करें, हमारा और आपका एजेंडा एक है, आप पंजाब पे हमले ना करें। दूसरी मुझे बात बताइए, नेशनल एक्शन प्लान का मतलब क्या है? आप कहते हैं सवाए इन पार्टियों के सब प्रो तालिबान हैं, आपके अलावा 2008 से 2013 तक आपने भी एक कौमी इदारे को बगल में दबा के रखा, नेक्टा जैसे इदारे को। अच्छा मैं कर्ज करूं, मैं कर्ज करूं, अगर आप लोग उस वक्त फाल इसे कर चुके होते तो आज ये हालात देखने को मिलते। 2000 वाकयात होते रहे साल में, 6 साल बाद मुकम्मल कर लो खुल के बात। उस दौर में नेक्टा को आपने क्यों नहीं फाल किया, ये बताइए। इसका मुझे देखो, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि नेक्टा की आप जो बात कर रहे हैं फाल था या नहीं था। वो तो नहीं था, सुनो मेरी बात सुन लेना। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जब आपने एक APS का वाकया हुआ, पाकिस्तान की तमाम पार्टीज इकट्ठी हुई, नेशनल एक्शन प्लान उसका नाम रखा गया। मुझे ये बताइए कि नेशनल एक्शन प्लान का नाम क्या सिंध एक्शन प्लान है? आपके फौज इजाज़त मांग रही है कि हमने पंजाब के अंदर ऑपरेशन करना है यहाँ पर, और ख़ुद ISPR का स्टेटमेंट आता है कि नो गो एरियाज हैं वहाँ पर ऑपरेशन नहीं होने दिया जाता। और ये जो चौरी निसार साहब और शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और पोर्ट्रे करते हैं, वो दोनों और पोर्ट्रे करते हैं। चौरी निसार साहब का मुझे अभी तक स्टेटमेंट याद है कि वो जो एयरपोर्ट वाला वाकया हुआ कराची में, उन्होंने कहा सिंध हुकूमत तो नाकाम हो चुकी, इनको तो हमने पहले ही बता दिया था। ये वही चौधरी निसार हैं जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तो कहते रहमान मलिक साहब हमें पहले इतला ही नहीं देते हैं, इसलिए दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान के लिए अगर आपके पास फंड्स नहीं है, नेक्टा के लिए आपके पास फंड्स नहीं है, तो आपकी तरजीहात क्या है? नहीं, अभी इन्होंने कहा कैसर साहब ने कि ये जो वफाक और सूबों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग का मंजूरी हुई है, इस पर भी अमल नहीं होगा, नहीं होगा अगर फंड ना हुए। जब तक फंड नहीं हुए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कौन से फंड चाहिए? इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी पैसे मांगेंगे और क्या करेंगे? किस तरह ये होगा बगैर एलोकेशन के? कोई इदारा चलता कितना सीरियस बगैर एलोकेशन का है ही फंड का मतलब। ये ब्रेक पे जाने से पहले आपके पास सवाल छोड़ के जाता हूं कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन और रابطों के लिए कितना पैसा चाहिए, कितने डॉलर चाहिए? एक वक्फे के बाद हुए हैं जो मंजूरी दी गई इतने बड़े इजलासों में, उन फैसलों पर भी अमल नहीं होगा। और कैसर शेख साहब पहले से ये खबरदार कर रहे हैं, कैसर शेख साहब बतौर चेयरमैन नेशनल असेंबली फाइनेंस कमेटी स्टैंडिंग कमेटी, आप कह रहे हैं कि आज के फैसलों पर भी अगर फंड्स नहीं हुए तो अमल नहीं होगा। कितने फंड चाहिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग? बात सुनिए, कितने फंड चाहिए? हमारा दुश्मन जो है ना, जो हम रोज उनको कहते हैं हमारा दुश्मन है, उसका रेवेन्यू है 35,000 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपए, और हमारा रेवेन्यू है 3,100 अरब रुपए। हमसे 32,000 जिससे लड़ाई है हमारी, वो जो हम कहते हैं कि जिसने उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं, ये सर दुनिया पूरी में फंड्स की गेम है। जितना पैसा लगेगा, अगर हमारा दुश्मन वो चाहता है पाकिस्तान को ख़राब करना और हमारे यहाँ ऐसा बुरान फहराना, अगर देखिए ना अभी तक तो वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना, आप तो रुपए की बात कर रहे हैं, यहाँ तो 10 अरब डॉलर खू खाते चला गया, नहीं पता चला क्या तो कुछ नहीं होता। तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, कितना एक बढ़ाएंगे? नहीं मैं 35,000 अरब रुपए का मतलब डॉलर भी अगर आप ले रहे तो 350 डॉलर होता है, ठीक है ना? तो जो उनकी आमदनी है सिर्फ एक साल की 350 अरब डॉलर की ना,
तो हमारी तो ये मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, उनकी आमदनी की नहीं, उनकी आमदनी तो बहुत ज़्यादा है, मैं उनका रेवेन्यू जो जो टैक्स इकट्ठा होता है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब अगर दुश्मन आपका 10 गुना से भी बड़ा है वो उसका रेवेन्यू है, और हम एक तरफ तो उससे कहते हैं नहीं जी हमने हमने ये उससे मुकाबला करना है, तो सर आपका दुश्मन लगा हुआ है, आपका दुश्मन तालिबान और अलकायदा है, उनका कितना बजट है? तो आपका ख्याल है कि तालिबान और अलकायदा अगर है तो उसमें दुश्मन का हाथ है या नहीं है? है, सबसे पहले तो हमारे जो दुश्मन है, मेन दुश्मन तो हमारा इंडिया है ना। आप कह रहे हैं पैसे ना हुए, मेरा ये कहना है, और ये जो सिर्फ प्लान कर लेना ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो अक्सर जोर देता, जब तक आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और टैक्स की पोटेंशियल है, हमें तवज्जो वहाँ करनी पड़ेगी, करप्शन में, करप्शन देखिए मेरी बात सुन लीजिए, बस आखिरी फिक्र है, हमें अगर ये प्लान पे अमल करना है, ऐलान कर देना तो बहुत आसान है, बैठ के ऐलान कर, और वाकई सीरियस भी हैं तो उसके लिए अभी सीरियस होना पड़ेगा, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए और करप्शन के खात्मे के लिए, अब मुख्तलिफ स्टेप्स उसके लिए लेने पड़ेंगे। कैसे साहब आपने तो वो बात की ना, नोमन तेल होगा ना राधा ना नहीं, नहीं होगा, हो सकता है, पोटेंशियल है सर, ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, ऐसी बात नहीं है, हमारा मुमकिन है, हमें तवज्जो करनी पड़ेगी, अल्लाह करे फिर पहले करप्शन जल्दी खत्म हो ताकि लोगों की दहशतगर्दी से जान तक खत्म कर सके, दुआई कर सके। ब्रिगेड साहब महमूद खान चकजई साहब ने एक तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि जो खुफिया अदारे जो हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, सारी एजेंसी, उनके जो अफसरान हैं या सरबराह हैं, अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखाते उन्हें बरतरफ कर दिया जाए, तो इसमें ऐसी कौन सी काबिले मजम्मत बात थी? आप समझते हैं कि चौधरी निसार का रद्द अमल बिलाजवाज था या सही था? दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब जब ये स्टेटमेंट देते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट में कोई डाउट नहीं है, हम उन्हीं पे रहे तो अच्छा नहीं है, ठीक है, बात के ऊपर हम बात हाँ, करें, बात के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, हाँ, जी कंटेंट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर ठीक कह रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए, वो हम पाकिस्तान में तो खैर मॉरली हम इन चीज़ नहीं, वफाकी हुकूमत कोई फैसला, वफाकी हुकूमत फैसला करे मुझे बिग क्वेश्चन मार्क मुश्किल उसके ऊपर, अक्टूबर आखिरी बार था। अच्छा वापस आते हैं महमूद खान साहब की स्टेटमेंट पर, ठीक है स्टेटमेंट बिल्कुल जवाबदेह है, हर ऑर्गेनाइजेशन जवाबदेह है जो वो काम करती है, लेकिन मेरा सवाल एक और भी इसी के साथ जुड़ता है, महमूद खान साहब जब ये स्टेटमेंट देते हैं तो ये स्टेटमेंट भी साथ दे देते कि एनडीएस क्या कर रही है पाकिस्तान में, ये स्टेटमेंट भी दे देते कि राव क्या कर रही है, बात के एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था, राव उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि जी राव तो कश्मीर नहीं कंट्रोल कर सकी, पाकिस्तान में क्या करेगी, ये उनका बयान है, मेरा नहीं है, उनका बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर लग गए, दोवल साहब आ गए, वो दूसरे आ गए, उनके साथ हमदर्दी की, उनके साथ हमदर्दी दिखा रहे थे, जिसकी मुझे तो जो अनॉयंस थी चौधरी निसार साहब की कुछ हद तक ठीक थी कि आप कब इकट्ठे होकर बात करना शुरू करेंगे, अभी मैं जब शुरू में बातचीत शुरू हुई तो दोनों चूँकि पॉलिटिकल लीडरशिप वाले हैं तो मैं एक सवाल लिखा यहाँ पर छोटा सा, वो मैंने लिखा था कि हम कब पाकिस्तानी बनकर सोचना शुरू करेंगे, कब हम सियासत से बाहर निकलेंगे, कब हम इस मुल्क के बारे में सोचना शुरू करेंगे, इनके लोगों के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब हम बात करते हैं कि जी हमारे पास फंड नहीं है, हमारी प्रायोरिटी क्या है, फंड्स के लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, क्या हुकूमत की प्रायोरिटी इस वक्त, हुकूमत वक्त की प्रायोरिटी, इससे पहले भी हुकूमतें गुजरी उनकी भी, 2005 के बाद से जो हुकूमतें आईं पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उससे पहले तो फौजी गवर्नमेंट थी, उनकी जो अपना वो था वो उसके बारे में डिस्कशन, एक और चैप्टर खुल जाएगा उसको मैं नहीं खोलना चाहता, लेकिन हम कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट अच्छा डिलीवर करती हैं, बहुत अच्छा, यस क्यों, बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इन रिप्रेजेंटेटिव को अवाम की एस्पिरेशंस, मेरी डिमांड, मेरी खुशी, मेरी बेहतरी, सियासतदान देगा ना मुझे, मैंने उसको चूज़ करके लेकर आया, तो क्या उस सियासतदान को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए? अब प्रायोरिटाइज़ में पहला फॉल्ट तो सबसे बड़ा ये है कि हमारे यहाँ फाइनेंस प्रायोरिटाइज़ करती ही नहीं है, नहीं कर रही, अगर कर रही होती तो हम आज ये ना कहते कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ। दूसरा करप्शन, ये दोनों काम किसने करने हैं? और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है, 1.5 साल गुजर गया नैप को, कोई एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, नेशनल एक्शन प्लान नैप, अच्छा नैप की बात, मैं नैप की नहीं बात, नैप क्योंकि करप्शन से आप आए, अच्छा, तो मैं नैप की नेशनल एक्शन प्लान को 1.5 साल गुजर गया है, क्या कोई रिव्यू किया है किसी ने बैठ के इसका? ये सियासत गवर्नमेंट का काम है ना,
حکومت وقت کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے, کمیٹیوں کا کام ہے, جو مختلف کمیٹیاں, آج نئی کمیٹی ایک بن گئی, پتہ نہیں یہ کیا لے کر جائے گی ہمیں. ان کمیٹیوں میں سے کسی ایک کمیٹی نے یہ پرپوزل دیا ہے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے, سینٹ میں, حکومت میں, کہ ہم نے اس ایک سال اور چھ مہینے کے عرصے میں نیشنل ایکشن پلان میں کیا کیا, اور اگر نہیں ہوا تو کس کی غلطی تھی؟ جس کی غلطی تھی اس کو فارغ کریں. محمود خان صاحب کے ساتھ ہوں کرتے ہیں, مگر اس کے لیے کسی بڑے سانحے کا انتظار کرتے ہیں. ہر بار نیا سانحہ, ہر بار نئے بیان, نظر ثانی کرتے ہیں, ہر بار نظر ثانی, اور پھر اعلانات ہوتے ہیں, پھر منظوریاں دی جاتی ہیں, پھر فیصلے آگے چلتے ہیں, پھر ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ایک کام کر لیں, آج دونوں پارلیمنٹیرین میرے پاس بیٹھے ہیں, کہیں اسمبلی میں جا کر کہیں کہ پلیز ریویو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جو ہم نے ڈیڑھ سال میں کام کیا ہے, جس نے جو کام نہیں کیا ہے اس کو دیں سزا, اس کو دیں, ایک بار تو سزا دے دیں. چلو, تو ایسا مطلب آپ برا نہ منائیے گا, ہم جب فنڈس کی بات کرتے ہیں, پرائیورٹیز کی آپ بات کرتے ہیں, سیاسی حکومت کی پرائیورٹیز کی بات کرتے ہیں, تو نو سال حکمرانی کرنے والے جنرل مشرف نے بلینز آف ڈالرز اس کنویں میں آئے, اور ان بلینز آف ڈالرز سے اگر ہمارے ادارے جو ہیں اپنی سلائیڈ نہیں بڑھا سکے, تو چند ہزار ارب روپیوں سے ہم جو ہے وسائل بڑھانے کی سیاستدان جب بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں وہ بھی تاخیر سے کرتا ہے. میرے خیال میں یہ بھی بڑا زیادتی ہوگی اگر ہم صرف ایک نہیں میں صرف اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ادارے آپ خود بھی بہت امیر ہوتے جا رہے ہیں, آپ جانتے ہیں اس بات کو, سارے امیر. آپ جن اداروں کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس فنڈز نہیں ہیں, ان کے اپنے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, پچھلے دنوں ڈان اخبار میں اتنی بڑی خبر چھپی, 50 پروجیکٹس آپ کے ادارے چلا رہے ہیں, غریب ہیں پروجیکٹ. تو کیا وہ سرمایہ جو ہے وہ حکومت کے ان اکاؤنٹس کا حصہ ہوتا ہے؟ شیخ صاحب, آپ فائنانس کمیٹی کے ممبر ہیں, کیا جو بزنس جو ہے ہمارے فوج کے ادارے چلا رہے ہیں, کیا ان کی جو انکم ہے, آمدن ہے, وہ ہماری حکومت کے بجٹ کا حصہ ہوتی ہے؟ نہیں جی, وہ تو ان کا انڈیپینڈنٹ ہے, وہ لیکن وہ دیکھ رہا ہے نا سسٹم میں, اس کو کس نے روکا ہے؟ بات تو وہی ہے سسٹم کی. بس صاحب, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ خورشید شاہ صاحب نے تو آج پیشکش کر دی کہ پوری پارلیمنٹ ہی ایک کمیٹی بنا دی جائے, یہ مجھے اس پیشکش کی سمجھ نہیں آئی. میں یہ جواب بالکل ضرور دیتا ہوں. اس کا دو تین سوالات تھے آج, بار بار میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں, چوری نثار صاحب کی تقریر کا, دھواں دار تقریر کا بڑا ذکر ہے. وزیر اعلیٰ کا سب سے پہلے سٹیٹمنٹ آتا ہے کس میں رام لوبس ہے, وہاں حکومت بلوچستان میں کس کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی, اور وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس بات کے. اچھا, اس کے بعد آج میں 48 گھنٹے گزر گئے ہیں, پرائم منسٹر نواز شریف کا اس کے اوپر کوئی بیان, چوری نثار کا اس کے اوپر کوئی بیان, محمود اجکزائی جن کی ہم بات ابھی سن رہے تھے سارے, کوئی بیان اس حوالے سے. مجھے بتائیے کہ کیا اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ وہ موزی جو میاں صاحب کی ذاتی دوستی کے وجہ سے سالگرہ میں شریک ہوتا ہے, وہ موزی جب وہ کلبھوشن یادو پکڑا جاتا ہے تو میاں صاحب اس کی محبت میں ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ مجھے بتائیے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کیا وہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہیں؟ اچھا, آپ مجھے لڈو جو آپ کے دور میں ہی بڑے پھوٹے سر, نہیں لیکن لیکن ایک بات آپ مطیر جان صاحب, کبھی بھی سیاستدان پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے ہمیں بہت ساری چیزیں, میں سمجھتا ہوں ہمیں خرابیاں ہوں گی, دہشت گردی کے حوالے سے جو سٹانس ہمارے, تو ایسے بڑے افسوس کی بات ہے, کبھی بھارت کے اندر اپنے وزیر اعظم پہ ایسے شک نہیں کیا جاتا جس طرح آپ لوگ شک کیوں کیا جاتا ہے؟ متیالا جان متیالا جان کیوں کیا جاتا ہے؟ میں بتاتا ہوں, آپ کہتے ہیں کہ جاسوس پکڑا جائے اس پہ بھی ریئیکشن دے, اس پہ بھی بیان دے, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, آپ کا وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو ان کی اپنی پارٹی کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے را ملوث ہے اس واقعے کے اندر, کہیں آپ کا پرائم منسٹر آف پاکستان؟ جو جاسوس پکڑے گئے ان کا کیا کیا؟ اچھا, دوسری بات سن لے, میں شیخ صاحب ایک اور بات, ابھی اچکزائی کے خلاف گفتگو کی انہوں نے, جو میں کہتا ہوں کہ فوج کے خلاف تقریریں میاں نواز شریف کرواتے ہیں جان اچکزائی سے, محمود اچکزائی صاحب سے, میں آج آپ کو لفظ دے رہا ہوں, یہ جو بات وہ خود نہیں کر سکتے محمود اچکزائی صاحب سے کلواتے ہیں. اچھا, اگر اتنا ہی برا تقریر کیا انہوں نے محمود اچکزائی نے, چوری نثار کے بقول ان کا بھائی تو آج بھی اسی صوبے کا گورنر ہے جس کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, آج بھی وفاق کے نمائندے, وفاق کے نمائندے ہیں, ان کو ہٹانے میں صوبے نے کوئی کام نہیں کرنا. صرف ون منٹ, یہ ہے کہ دیکھیں یہ بسرا صاحب پیپل پارٹی کی بات کر رہے ہیں, میں نے تو آپ سے کہہ دیا اس وقت 2000 ہر سال میں واقعات ہوئے, اب تو بہت کم, تو اب ہمارے یہاں 400 ہو رہے ہیں, اور کم ہونے چاہیے. میں معذرت چاہوں گا تمام مہمانوں کا, بہت شکریہ قیصر احمد شیخ, شوکت بسرا صاحب, ریٹائرڈ اسحاق احمد صاحب. بات اتنی سی ہے, بہت بڑے فیصلے ہوئے, مگر امید ہے کہ ان پر عمل درآمد بھی فوری طور پر ہو, اور کوئٹہ کے متاثرین اور شہیدوں کے لواحقین کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ حوصلہ رکھیں, ہم سب اس دکھ اور غم میں برابر کے شریک ہیں, اور ہم سب امید اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ فوری طور پہ عمل درآمد بھی ہو.
अपने अपने गरेबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।